नमस्कार दोस्तों दोस्तों दांतों की इतनी समस्याएं हैं और उनके हल भी बहुत सारे हैं। वैज्ञानिक लोग भी निरंतर उन हलों में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखो, दांत किसी का क्रेक हो गया, अब उसके अंदर सड़न होगी तो क्या करेंगे डॉक्टर लोग? कोशिश करेंगे उसे घिस कर कैप लगा दिया जाए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि सर मेरे दांत ने क्रेक हो गए हैं, और ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे कि सर मेरा दांत क्रेक हो गया है, टूट गया है। तो बहुत सारे लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। हमारे मुंह में हमेशा लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे काम के भी होते हैं, भोजन को पचाने में भी काम करते हैं, बहुत सारे फायदे करते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी करते हैं। तो वो बैक्टीरिया उस टूटे हुए क्रेक दांत में घुस जाते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों पर प्रेशर पड़ता है, तो इसमें हल्का सा लचीलापन होता है। तो जब जैसे ही दांतों पर प्रेशर पड़ता है तो जो क्रेकनेस है ना, वो हल्का सा फैल जाता है। उस फैले हुए स्थान पर बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं और वो वहाँ जाकर सड़न शुरू कर देते हैं। अब समय रहते उसका ट्रीटमेंट हो गया, नहीं तो वो बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। दांतों की जो सड़न धीरे 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 करके अंदर तक जाती है और अंदर से दांत को सड़ाना शुरू कर देती है, और भाई फिर दर्द की इतनी इंतहा हो जाती है, बहुत दर्द होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ कैसे तड़पते रहते हैं। अगर आप दांतों में दर्द है और क्रेकनेस है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर एक्सरे करेगा, देखेगा कि जो क्रेक है कहाँ तक गई है, क्या उस क्रेक से अंदर सड़न पैदा हो सकती है, मतलब बैक्टीरिया पैदा होने का कुछ कारण बन सकता है। कुछ हल्का फुल्का क्रेक जैसे हमें लाइन से लगती है कि वो अंदर तक नहीं होती, तो जिस कारण वो इतनी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती, तो डॉक्टर लोग इसके लिए कुछ मेडिसिन लिख देंगे ताकि वो क्रेक भर जाए। क्योंकि दांत के अंदर भी उसकी जो चोट है उसे रिपेयर करने की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जो उसके अंदर जो नशे होती है ना, वो यही काम करते हैं, छोटी मोटी जो रिपेयर है वो खुद कर लेती हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है, हल्का फुल्का है, तो डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन लिख देगा और आपका जो दांत का क्रेकनेस है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को अगर लगेगा कि ये क्रेक बड़ी है और ये ज़्यादा घातक हो सकती है, तो डॉक्टर उसमें तुरंत उसे घिस के और उसके ऊपर कैप चढ़ा देगा, जिससे कि वो क्रेक फैले ना। और बहुत सी बार जब क्रेक ज़्यादा बड़ी हो जाती है और दांत बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो उसके लिए रूट कैनल ट्रीटमेंट करके अंदर की नसों को डेड करना पड़ता है। क्योंकि जो सड़न होती है ना दांतों के, जो बैक्टीरिया वो गलाते गलाते अंदर तक जाते हैं और बहुत दर्द होता है कि आदमी झेल नहीं पाता। तो डॉक्टर लोग ड्रिल करके जो दांतों की जड़ें हैं ना, उसके अंदर जो नशे आ रहे हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं, और उन्हें ख़त्म करने के बाद उसके अंदर फिलिंग भर देते हैं, और इस प्रकार आपका दांत अंदर से सेफ कर उस पर कैप चढ़ा देते हैं, तो दांत मजबूत हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण दांतों में क्रेक हो जाती है, पर क्रेक बहुत घातक होती है। अगर इसका समय रहते आप ट्रीटमेंट करा ले तो ठीक है, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो अंदर की जो सड़न है ना, नीचे तक नसों तक पहुँच जाती है और कैंसर तक होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कैंसर हो गया तो आप समझ सकते हो कितना भयंकर होता है, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे हालात में अगर आपके दांतों में क्रेक है, तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप उसका ट्रीटमेंट एक अच्छे डेंटिस्ट से करा लें, और इसमें देरी ना करें। देरी करने से यार रोग बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, दिक्कतें और बढ़ जाती है। आज जो कम पैसे में काम हो रहा है ना, वो बहुत पैसे देकर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो जानकारी क्रेक के बारे में, जो मुझे कुछ सवाल आए थे तो उसका जवाब मैं देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।